हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे दो फंक्शन जो कि होने वाले हैं एवरेज एंड एवरेज इफ। तो इक्वल्स टू एवरेज काउंट करने के लिए लगाया इक्वल्स टू एवरेज। मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां पर एवरेज सैलरी कितनी दी जा रही है एम्प्लॉयज को। ठीक है, एंटर कर दिया तो एवरेज सैलरी कितनी है, 70,684 रुपीज। ठीक है, अब ये जानना चाहते हो कि मेल एम्प्लॉयज को क्या एवरेज सैलरी दी जा रही है, उसके लिए आप लगाएंगे एवरेज इफ, ए बी ई आर ए जी ई एवरेज इफ। सबसे पहले आपसे बोल रहा रेंज सेलेक्ट करिए, रेंज क्या है, तो रेंज है जेंडर वाला कॉलम, क्योंकि हमें यहीं पर तो मेल मिलेगा। ठीक है, इस वक्त क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है हमारा, मेल, मैंने एम लिख रखा था पहले, उसको सेलेक्ट कर लिया। इस वक्त एवरेज किसका निकालना है, एवरेज निकालना है मेरे को सैलरी का, सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे तो एवरेज सैलरी जो दी जा रही थी पूरे एम्प्लॉयज को वो है 70,684, लेकिन जो मेल एम्प्लॉयज है, मेल एम्प्लॉयज की जो एवरेज सैलरी है वो है 73,873 रुपीज। और यहीं अगर आप जाना चाहते हो फीमेल को एवरेज सैलरी क्या दी जा रही है, तो आप एफ लिख के जैसे एंटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा फीमेल को जो एवरेज सैलरी दी जा रही है वो है 68,292 रुपीज। तो आई होप आपको ये दो फंक्शन समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको जो मेरा समझाया हुआ टॉपिक जो भी है समझ में आता है, मेरे समझाए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।